लोगों ने गुरुवाई को पेट का धंधा बना दिया, पालने का बहुत पैसा मिलता है, मैंने कई बार उल्लेख किया है, बड़ा धन मिलता है, तो वो उससे परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये अध्यात्म भक्ति क्षेत्र व्यवसाय से राजनीति से अलग होना चाहिए, उनका अपना अलग एक क्षेत्र है, उनका है जन जागरण, आत्मा की जागृति के लिए समाज में कार्य करना, उनका न राजनीति से लेना देना न बिजनेस से लेना देना हो। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन संतत्व की धारा में सत्य ही है। एक सन्यासी एक संत परमार्थ करता है, वो संसार के लोगों को सत्य की तरफ ले जाता है, उसका संसार के किसी भी पदार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, उसकी जीवन शैली अलग होती है, वो अपने शरीर पर खर्चा नहीं करता है, लोगों का पैसा लेकर ऐश्वर्य की लाइफ नहीं जीता है। अगर तुम्हें ऐश्वर्य की लाइफ जीना है तो तुम्हारे लिए बिजनेस का साइड खुला हुआ है, जाओ व्यापार करो। ये रास्ता वो है जहाँ नंगे पैर चल करके समाज को जागरण किया जाता है और जहाँ पर धन संचय वर्जित किया जाता है। आज जब महात्माओं का हम ठाट बाट देखते हैं, वाह 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 वाह, वो ठाट बाट होते हैं, तोबा तोबा, ऐसे तो राजाओं का भी नहीं था। तुमने बादशाही ग्रहण किया है या फकीरी, जब ये कहो तो कहेंगे फलाना ठिकाना है। अब जितने भी महापुरुष आए वो जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो दुनिया छोड़कर निकले, सब कुछ छोड़कर निकलने का ये मतलब है, जब वो खुद माया में उलझा हुआ है तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, वाह क्या बात है, बंदे को बंदा मिले राह दिखावे कौन।